नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका गीता दुबे आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है देशज व विदेशी शब्द। हमारा आज का उद्देश्य है कि आप देशज व विदेशी शब्दों को समझ पाएंगे। देशज, देशज से अभिप्राय है कि देश, देश में, और ज, ज का यहाँ पे अर्थ है उत्पन्न होना। देशज जो देश में उत्पन्न हो। विदेशी, विदेशी धरती पर पैदा होना। विदेशी लोग भारत पर आते गए, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, बोलचाल, शब्द हमारी भाषा में मिलते गए और हमें पता भी नहीं चला हमें किस तरह से विदेशी शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में कर। आइए एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। माँ ने नई साड़ी पहनी, चश्मा लगाया, प्याले में चाय पी और ऑफिस चली गई। यहाँ पर देखिए कितने ही ऐसे शब्द हैं जो विदेशी। जैसे यहाँ पर साड़ी देशज शब्द है, चश्मा फारसी, प्याले पुर्तगाली, चाय चीनी और ऑफिस अंग्रेजी शब्द है। आइए देशज शब्दों के बारे में जानते हैं। वे शब्द जो देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी का हिस्सा बन गए, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, झाड़ू, डिबिया, झुग्गी, खिड़की, लोटा, झोला, टांग, खड़ाऊ, फावड़ा, जूता, चारपाई आदि। विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं और धीरे धीरे उसका अंग बन गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ विदेशी शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से हैं। जैसे अंग्रेजी के जो शब्द हैं हम आम तौर पर अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, इंजन, डॉक्टर, फुटबॉल, स्टेशन, स्कूल, पेन, बोतल, बॉक्स। अब यहाँ पर कुछ पुर्तगाली शब्द हैं जिसे हम रोजमर्रा के शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे आलू, कमरा, कमीज, गमला, चाबी, तोलिया, प्याला, तंबाकू। अब यहाँ पर अरबी शब्द देखते हैं, अमीर, आदत, औरत, इज्जत, एहसान, कानून, कैदी, खत। फारसी शब्दों में अमरूद, अनार, आदमी, किताब, गुलाब, चश्मा, जलेबी, खूबसूरत। तुर्की शब्दों में देखिए कैंची, कुली, चम्मच, चाकू, तोप, बहादुर, चिक, लाश। फ्रांसीसी शब्द इंजीनियर, कर्फ्यू, कार्टून, पुलिस, बिगुल आदि शब्द। इसी तरह से यूनानी शब्द में देखिए एटम, डेल्टा, टेलीग्राम, टेलीफोन। और जापानी शब्दों में इस्पात, रिक्शा। और चीनी भाषा में चाय, चीनी, तूफान, पटाखा, लीची आदि। ऐसे कई विदेशी शब्द जो हैं हम अपनी हिंदी की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हमने देशज और विदेशी शब्दों के बारे में जाना।